हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से रेसिपी देखो में स्वागत है। तो आज हम एक पीठा की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा नहीं बनाया जाता, ये एक अनकॉमन पीठा है। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूंगी जो खासकर झारखंड में बनाया जाता है, सिंहभूम ज़िले में, और ख़ासकर इसे सर्दियों के मौसम में बना के बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मांगसो पीठा की, जिसे मटन के साथ भी बनाया जाता है और चिकन के साथ भी बनाया जाता है। दोनों में सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन आज हम चिकन से मांगसो पीठा बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाते हैं। तो मांगसो पीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पोल्ट्री चिकन लिया है जो कि आधा किलो के इतना है। तो इसे हम पहले धो लिए हैं, अब इसे हम छोटा छोटा पीस में काट लेंगे। तो इसको ज़्यादा छोटा नहीं काटेंगे, मीडियम साइज में काट लेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा हड्डी नहीं रखे हैं, ज़्यादातर मैं सिर्फ मीट का पीस ही रखी हूँ। तो इस तरह से मटन की भी रेसिपी बनाई जाती है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस ही होता है। तो मांगसो पीठा में थोड़ा ज़्यादा मसाला डालना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ सभी की क्वांटिटी ज़्यादा ज़्यादा ली है। तो ये मैंने यहाँ पे एक बड़े अदरक को चीरा लगाया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ धनिया लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है, 3 से 4 लहसुन की कलियों को छिलके रखा है, यहाँ मैंने 6 से 7 मिर्ची ली है, और 1 बड़े प्याज को मैंने चीरा लगाया है। तो इन सबको मिला के हम पेस्ट बना लेंगे। तो इसका बहुत सारा मसाला होगा और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मसाला यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ एक साथ सभी मसालों को हमने पीस के पेस्ट बना लिया है, इसे अलग अलग पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मिट्टी का बर्तन गर्म हो गया है, क्योंकि ये जो है मांगसो पीठा की रेसिपी है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल पड़ता है। तो तेल को यहाँ अच्छी तरह से गर्म होने दें। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने 1 प्याज को काट के रखा हुआ है, तो उसे हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे प्याज को ब्राउन करने तक भून लेना है। तो यहाँ प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, देखिए ये हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन को जो हम काट के रखे हैं उसे डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देना है, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब मीट को यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है, लगभग यहाँ हम इसे 10 मिनट तक भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रही हूँ, मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना अच्छा लगता है। आशा करती हूँ आप भी एक बार इसमें बनाएं और इसमें देखिएगा आप खाने का टेस्ट बदल जाता है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में नहीं बना सकते हैं तो आप इसे स्टील का बर्तन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ 10 मिनट बीत चुके हैं, तो अब हम जो मसाला का पेस्ट बना के रखें उसे हम इसमें डाल देंगे। अब मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है, यहाँ भी हम इसे और 5 मिनट तक लगभग भूनेंगे। तो यहाँ 5 मिनट बीत गए हैं, तो अब हम इसे उतार लेंगे। इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने देना है। देखिए मैंने चिकन को यहाँ उठा लिया है और ग्रेवी को मैंने इसमें रहने दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करें। तो मांगसो पीठा बनाने में पत्तल का यूज होता है, देखिए मैंने यहाँ कच्चे पत्तों का पत्तल लिया है। तो इसे धो के इसमें तेल लगाया जाता है, तो इसमें हम तेल लगा देंगे। तो यहाँ पत्तल में अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा देना है, क्योंकि मांगसो पीठा जो है पत्तल में ही बनता है। तो यहाँ 4 पत्तल का हम इस्तेमाल करेंगे, तो चारों में मैंने तेल लगा दिया है। यहाँ मैंने देखिए चावल का आटा लिया है, ये उसना और अरवा चावल को मिला के पीसा हुआ आटा है। तो इसे हम इस ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको अच्छी तरह से यहाँ मिला लें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। नमक मिला के इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसे आटे की तरह गूंथ लेंगे, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। देखिए मैंने यहाँ इसे आटे की तरह गूंथ लिया है,
यहाँ जो चावल का आटा है इसे दो भाग में हम बांट लेंगे। फिर हम हाथ में थोड़ा सरसों का तेल लगा लेंगे। और इसे हम पत्तल में रख देंगे। इसे यहाँ पतला ही रखें क्योंकि इसके ऊपर और एक परत डालना है। तो अब हम इसमें जो चिकन को फ्राई करके रखे हैं उसे इसमें हम रख देंगे। तो इसे इस तरह इसमें लगा के रखें भीतर की तरफ। तो देखिए यहाँ मीट को मैंने इसमें लगा दिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में इसके ऊपर फिर से जो गुड़ी को हमने बना के रखा है उसे डालना है। तो उसे गुड़ी से ऊपर से भी ढक देना है। इसे चिकन को पूरी तरह से कवर कर दे। फिर इसके ऊपर एक चम्मच के इतना सरसों का तेल डाल देना है। तो इसका नीचे एक पत्ता रहेगा तो इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और इसके ऊपर भी एक पत्ता डालेंगे। तो उसमें भी मैंने तेल लगा दिया है और इसे हम ढक देंगे। और एक पत्तल से हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। तो इसके नीचे भी दो पत्ते हैं और ऊपर भी दो पत्ते हैं। तो इसे चारों तरफ से पिनअप कर देना है। लकड़ी के काठी से हम इसका चारों तरफ सिलाई कर देंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सिलाई कर देना है। तो इसे ज़्यादा एयर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हल्का हल्का सिलाई कर देना, केवल पत्तल जिससे आपस में जुड़े रहे। तो इसे हमने सी लिया है। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। तो अब हम एक तवा लेंगे और उसके ऊपर इस पत्तल को बैठा देंगे। यहाँ गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखें। तो इस पीठा को बनने में टाइम लगता है, लगभग इसको पकने में 10 मिनट का समय लगता है। तो देखिए पत्ता जो है वो जलने लगा है और पत्ता की खुशबू आ रही है। तो पत्तल को डालने के बाद इसको हम थाली से ऊपर से ढक देंगे। तो इसे पकने में लगभग 10 मिनट से 15 मिनट तक टाइम लगता है। तो इसे अभी हम एक साइड पका लेंगे, फिर हम इसे पलटेंगे। तो इसे पहले हम 10 मिनट तक पका लेंगे। देखिए यहाँ किनारे किनारे जो है पत्ते जल रहे हैं, तो इसमें पत्ते की जलने की खुशबू भी आ रही है। तो पत्तों का फ्लेवर भी यहाँ पीठा में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ जो है 10 मिनट का टाइम बीत चुका है। तो हम थाली को हटाएंगे और इसे एक बार पलट देंगे। तो इसे हम और एक बार चढ़ा देंगे पलट के। इसे फिर से और हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ और 10 मिनट का टाइम बीत चुका है। तो टोटल 20 मिनट हमने इसे पका लिया है। तो अब ये बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब मांसो पीठा को हम लोग देख लेते हैं। तो ये थाली जो है वो गर्म हो जाती है। देखते हैं पीठा का क्या हाल है। देखिए ये दोनों साइड से कितना अच्छा पक गया है। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे तोड़ तोड़ के खाएंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा से पक गया है, इस तरीके का ये है। और इसे तोड़ तोड़ के इस तरह खाया जाता है। देखिए यहाँ जो है चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है। इससे मसालों की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसका फ्लेवर जो है थोड़ा जला जला सा ही आता है, जिसमें कि पत्तल का भी फ्लेवर आता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये भी एक हेल्दी ही रेसिपी है। तो और एक हेल्दी रेसिपी को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।